नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। क्षेत्र में सैकड़ों युवाओं का लंबे समय से वैक्सीन लगवाए जाने का इंतजार अब खत्म हो गया है। जिला प्रशासन द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज में लालकुआ क्षेत्र में जिले के नए वैक्सीन सेंटर का शुभारंभ किया गया है, जहां 18 से 45 वर्ष की आयु वाले युवाओं को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। आज वैक्सीन के पहले दिन 200 लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन करवाया। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कॉलेज के कक्षों में वैक्सीन लगवाने आए युवक युवतियों ने प्रतीक्षा के बाद कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। इस दौरान उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह ने बताया कि जिले में 18 वैक्सीनेशन सेंटर 18 से 45 उम्र वालों के लिए बनाए गए हैं तथा जिला प्रशासन 18 से 45 वर्ष वालों के लिए वैक्सीन प्राप्त हो गई है, साथ ही जिसका रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया गया है, जिसमें 30 मई तक का रजिस्ट्रेशन स्लॉट बुक हो गया है, जिसके बाद फिर से वेबसाइट को खोला जाएगा। तो ये उसी क्रम में जितनी अलॉटमेंट लालकुआ को लेकर हुई है, अभी हमारा एक बूथ चल रहा है, आगे और वैक्सीन प्राप्त होने के बाद इन बूथों को बढ़ाया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीनेशन होना है, किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी अभी शुरू में थोड़ा रश हो रहा है कि स्लॉट नहीं मिल पा रहा है, निश्चित ही अभी 2-3 दिन के बाद स्लॉट पूरी तरीके से लोगों को मिलने लगेगा। खुलती तो सारे उसमें बूथ दिखाते हैं कि कौन कौन से बूथ ओपन हुए हैं। अभी चूंकि फर्स्ट डे था, लोगों को जानकारी नहीं थी, ऐसा नहीं है। और अब धीरे धीरे चूंकि वैक्सीन पूरे जिले में 18 बूथों पर वैक्सीनेशन हो रहा है, तो निश्चित ही ये यहाँ के लोगों के लिए सुविधा दी गई है, तो यहाँ के लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा। मैंने सभी को बोला भी है, आप लोगों के माध्यम से भी मेरी अपील है कि आपने जैसे ही हमारी साइट खुलती है स्लॉट अपना बुक करें और वैक्सीनेशन कराएं। जैसे जैसे कि हमारे पास वैक्सीन आते जा रही है, वैसे हम 18 प्लस की साइटें शुरू की जा रही हैं। अभी तक तो हल्द्वानी में शुरू की थी, अभी तक रूरल हल्द्वानी में आके हमने 2 जगह शुरू कर दी, एक ऊंचापुर में, एक लालकुआ क्षेत्र वासियों को पहुंचाने के लिए यहाँ पर शुरू करवा दी। जैसे जैसे वैक्सीन हमारे पास आती जाएंगी, उसके बाद हम बिलुकता या और क्षेत्रों में भी ये चीज़ें शुरू करवा देंगे। R9 भारत के लिए उमेश सिंह राणा की रिपोर्ट, लालकुआं।